फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में और मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। आज हम बनाएंगे पंचरत्न दाल या पंचमेल दाल, जो कि राजस्थान में काफ़ी फेमस है। इसे मिक्स दाल भी कहते हैं और ये 5 तरह की दालों से बनता है जो कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1/4 कप रहर का दाल लिया है, 1/4 कप उड़द की छिलके वाली दाल है, 1/4 कप मूंग की दाल है, 1/4 कप मसूर की दाल है और 1/4 कप चने की दाल है। मतलब पांचों दालों को मैंने बराबर मात्रा में लिया है और मैं इतना दाल बना रही हूँ 3 लोगों के लिए। तो आप अपने मेंबर्स के हिसाब से दाल की क्वांटिटी को आप बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ दाल को मैंने पानी में डाल दिया है और हमें इसे 2 घंटे के लिए, चाहे अगर आपके पास टाइम ना हो तो 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो हाँ, 1 से 2 घंटे के लिए मैंने दाल को भिगोने के लिए छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं दाल ने पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत अच्छे से फूल गया है। तो अब हमें दाल को अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धुल लेना है ताकि इसका पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसके बाद गैस पे कुकर में दाल को हम डाल देंगे, जैसे दाल को हम नॉर्मली पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे फ्लेम को मैं हाई कर देती हूँ और उसके बाद दाल के झाग को हमें निकाल लेना है। तो दाल के झाग को उतनी बार निकालना, आप जितनी बार उबालेंगे दाल का झाग उतनी बार निकलता जाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी उबलना शुरू हो गया है और दाल में झाग बनना शुरू हो गया है। तो दाल बनाते समय फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर से किया करिए। अब इसे मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है जिससे कि दाल हमारा उफन के ऊपर तक ना आए। 1 तेज़पत्ता तोड़ के डाल दिया है। डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार और उसके बाद डाल देंगे इसमें हल्दी। और दाल को हम 5 से 6 सीटी तक के लिए बॉईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि दाल अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर तब तक हम अपनी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज काट लिए हैं और 1 टमाटर ले लिया है। इन्हें बारीक हमें काटना है, तो पहले मैं इसे मोटा कट कर ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूँगी। चॉपर में कोई भी चीज़ जल्दी से कट हो जाता है और काम हमारा थोड़ा ईजी हो जाता है। तो पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा मोटा काट लिया है और चॉपर में डाल करके फटाफट इसे चॉप कर लूँगी और फटाफट हमारा बारीक प्याज कट के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, प्याज बहुत ही बारीक सा कट के तैयार हो चुका है। तो बस इसी चॉपर में मैं प्याज को ये साफ़ कर ले रही हूँ और इसी चॉपर में मैं टमाटर को भी काट लूँगी। तो टमाटरों को भी ऐसे थोड़ा सा मोटा कट कर लेना है और चॉपर की हेल्प से, आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से भी चाकू टमाटर और प्याज को बारीक कट कर सकते हैं। तो टमाटर भी हमारे कट चुके हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने अदरक लहसुन और मिर्च लिया है, सबको बारीक बारीक काट लिया था। एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे, आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे, इसमें डाल देंगे तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा। तो मैंने लगभग 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच राई लिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है, थोड़ी सी करी पत्ता और दालचीनी का एक टुकड़ा, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, 2 लौंग और क्रश की हुई काली मिर्च है। और इन्हें अच्छा सा हम सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को भी पिंक कलर आने तक हमें भून लेना है। तो प्याज भून चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी जो कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक था, वो भी डाल करके कुछ सेकंड्स के लिए हम इन्हें भून लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा इन्हें भी सॉटे कर लेंगे और इसके बाद हमें इसमें डाल देना है अपने कटे हुए टमाटर। और टमाटरों को भी अच्छे से स्टीम कर लेना है, मतलब गलने तक पका लेना है। तो हल्का सा टमाटरों को भून ले रही हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है जो चॉपर को मैंने क्लीन किया था वो वाला। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको हम ढक देंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। तो 1 से 2 मिनट बाद हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुका है, इसे भी हम अच्छे से चला लेते हैं। तो बस ये हो गया है, इसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है और हमारा दाल फ्राई तैयार हो चुका है। और इसके बाद कुकर का जो हमारा दाल है ना, वो भी पक गया है, तो इसे भी हम खोल करके चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, हल्का सा इसे मैश कर लेते हैं कलछुल की हेल्प से।
तो ये देखिए, अब बस अब फटाफट चलिए दाल को फ्राई कर लेते हैं। तो सेम फ्राइंग पैन में मैंने जिसमें फ्राइंग मटेरियल तैयार किया था उसी में दाल को पलट देंगे और बस अब दाल को उबलने देते हैं। और थोड़ी देर के लिए मैंने दाल को ढक दिया है। दाल जब अच्छे से उबल जाए तो इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल करके दाल को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और इसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस दाल में हम लगा देंगे ऊपर से देसी घी, जीरा, हींग और राई का तड़का। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस हमारी पंचमेल दाल मिक्स दाल बनके तैयार है। फ्रेंड्स, ये दाल एक बार बना लीजिए तो फिर आपको खाने में सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।